स्टार्ट कर देते हैं। तो अलग अलग टाइप के लिगेंड्स के बेसिस के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। कल लास्ट लेक्चर में हमने देखा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऊपर क्या करना है कि एक हेडिंग देना, आईयूपीएसी नेम्स ऑफ, आईयूपीएसी नेम ऑफ एनायनिक एंड न्यूट्रल लिगेंड्स, आईयूपीएसी नेम्स ऑफ एनायनिक एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। यहाँ पे क्या करना है कि एनायनिक जो लिगेंड होते हैं तो उसको हम क्या यूज़ करेंगे, नाम क्या यूज़ करेंगे। अगर जो कोई कॉम्प्लेक्स के अंदर में लिगेंड एनायनिक रहेगा तो वो जो एनायनिक प्रेजेंट रहेगा तो उसको कौन सा नाम यूज़ करेंगे वो देखना है, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि बीआर के ऊपर में जो चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं ब्रोमाइड, क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड आयन कहते हैं। जैसे सीएल पे कोई चार्ज आ गया मान लो तो ये क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन हम ऐसे यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक में, बराबर ना। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग क्या करते हैं कि बीआर के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब नेगेटिव लिगेंड रहेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, डोनेट करेगा, है ना। तो इसको बोलेंगे ब्रोमो, है ना, क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमो, क्या बोलेंगे, ब्रोमो। फिर ये क्या रहेगा, क्लोरो, ऐसे टाइप से यूज करेंगे। तो कुछ लिगेंड्स के मैं नाम भी दे देता हूँ साथ में, लिखो। पहले तो लिखो बीआर माइनस, बीआर माइनस, तो इसको क्या यूज करेंगे हम लोग, है ना, है ना। आईयूपीएसी नेम में क्या यूज करते हैं, एक तो इसी को हम लोग लिगेंड्स को ब्रोमाइड कहते हैं, है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नेम में क्या यूज करेंगे इसको, ब्रोमो, ठीक है। ऐसे ही आगे का टेबल पर चलो, नहीं तो यहाँ पे हेडिंग दे दो एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड। और ये आईयूपीएसी में क्या यूज करेंगे हम लोग, ब्रोमाइड को ब्रोमो, ठीक है, चलो। फिर नेक्स्ट कौन सा लिखेंगे, सीएल माइनस, सीएल माइनस, एफ माइनस, Cl माइनस, F माइनस, यहाँ पे ये कौन सा है, एनायनिक है। फिर उसके बाद क्या लिख रहे हैं हम लोग, आईयूपीएसी में क्या यूज करेंगे, तो ये ब्रोमाइड को लिखेंगे ब्रोमो, अब ये लिखो क्लोराइड को लिखेंगे क्लोरो, है ना, क्लोराइड को लिखेंगे फ्लोरो, क्लोराइड को लिखेंगे फ्लोरो। आयोडाइड को लिखेंगे, क्या लिखेंगे आयोडाइड को, आयोडो, आयोडो, आईओ डी ओ, आयोडो। साइनाइड को लिखेंगे, यहाँ पे साइनाइड हमें पता है सी एन माइनस, साइनाइड को क्या लिखेंगे बेटा, साइनो, क्या लिखेंगे, साइनो, साइनाइड को क्या लिखना है, साइनो लिखेंगे, ठीक है, सी वाई ए एन ओ, साइनो। नेक्स्ट सल्फेट, दैट इज एस ओ फोर टू माइनस, एस ओ फोर टू माइनस को, है ना, उसको एनायनिक लिगेंड में कहते हैं सल्फेट, क्या होता है, सल्फेट। और आईयूपीएसी में सल्फेटो, सल्फेटो, एस यू एल पी एच ए टी ओ, सल्फेटो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सल्फेटो हो गया, नाइट्रो, नाइट्रो, एनओ थ्री माइनस, एनओ थ्री माइनस, नाइट्रो। और आईयूपीएसी में लिखो नाइट्रेटो, 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 नाइट्रेटो। फिर उसके बाद ओ एच माइनस, हाइड्रोक्साइड, बराबर, ठीक है। एनायनिक लिगेंड को हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आईयूपीएसी में यूज करेंगे
हाइड्रोक्सो सभी के सभी बाहर चले जाए, लेक्चर चल रहा है, चलो बहुत देर हो गई है। हाँ हाइड्रोक्साइड लिखे, क्या लिखा उसको, हाइड्रोक्सो, ओके चलो नेक्स्ट। NO2 माइनस नाइट्राइड उसको IUPAC में यूज करेंगे, नाइट्रो क्या यूज करेंगे, नाइट्रो। अब यहाँ पे एक चीज देखना है ना, हमने एक एग्जांपल देखा था कुछ ऐसे, मैंने बताया था आपको, मान लो कि ये मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन। अब यहाँ पे क्या होता है कि मानो सेंट्रल मेटल आयन को ऐसे कोई ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बॉन्डिंग में अगर जाते हैं तो उसको क्या यूज करना है ना, NO2 ग्रुप ही है ना। और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि यहाँ पे ऑक्सीजन थ्रू भी क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, जैसे ये N यहाँ पे क्या रहेगा, फिर डबल बॉन्ड O रहेगा, है ना। तो यहाँ पे दो चांसेस है, एक तो इलेक्ट्रॉन जाए नाइट्रोजन थ्रू, या फिर हो सकता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाए, ऑक्सीजन थ्रू, क्योंकि दोनों भी क्या करते हैं लोन पेयर कैरी करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं लोन पेयर कैरी करते हैं, इसके ऊपर भी लोन पेयर होता है, यहाँ पे भी लोन पेयर होता है ना। तो ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अगर से मानो कि नाइट्रो ग्रुप में थ्रू नाइट्रोजन अगर से इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में अगर जाते हैं तो उसको यूज करना है, क्या यूज करेंगे, नाइट्रो, क्या यूज करेंगे, नाइट्रो। तो उसके ब्रैकेट में लिखो आगे, है ना, IUPAC नेम जो लिख रहे हैं हम लोग उस कॉलम में लिखो, क्या लिखेंगे, नाइट्रो, नाइट्रो, और ब्रैकेट में लिखो फॉर N, ऐसे लिखो फॉर N बॉन्डेड, है ना, लिखो आगे फॉर N बॉन्डेड लिगैंड, मतलब नाइट्रोजन से वो लिगैंड फॉर्म होता है, नाइट्रोजन क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, फॉर N बॉन्डेड लिगैंड, आ गया समझ में, ठीक है। अब दूसरा कौन सा चांस हो सकता है, दूसरी कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, और एक है ना, क्योंकि दो ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पे कौन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, तो उसके लिए लिखो, उसको लिखेंगे नाइट्राइड, ONO, है ना, ऐसे वाला ONO, ये है ना, इसको लिखो, क्या लिखेंगे, नाइट्राइड, नाइट्राइड, एनायनिक लिगैंड देख रहे हैं लोग, है ना, नाइट्राइड। और IUPAC में लिखना है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो IUPAC में, और ब्रैकेट में लिखो, क्या लिखेंगे, फॉर, क्या लिखेंगे बेटा, ऑक्सीजन बॉन्डेड लिगैंड, और ऑक्सीजन बॉन्डेड लिगैंड, आगे मतलब दो चांसेस थे, दोनों को हमने वेरीफाई कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखना है SCN थायोसाइनाइड जिसको कहते हैं, SCN- ऐसे वाला, SCN, ये थायो ग्रुप होता है, थायो ग्रुप, है ना, हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा है फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर, जैसे थायोस्टर भी देखते हैं हम लोग, थायोस्टर पता है ना आपको, है नहीं, ये वाला होता है थायोस्टर, जहाँ पे थायोईथर, जहाँ पे ऑक्सीजन के बजाय क्या होता है यहाँ पे सल्फर आएगा, तो ये थायोईथर बन जाता है, ठीक है, तो वैसे ही थायोसाइनाइड होता है, ठीक है, चलो थायोसाइनाइड लिखा, थायो क्या लिखा, साइनेट, है ना, थायोसाइनेट, और उसको लिखना है आगे कंटिन्यू करो, थायोसाइनाइटो, थायोसाइनाइटो, थायोसाइनाइटो। अब इसको कैसे लिखेंगे, NCS, NCS, NCS माइनस। अब यहां पे भी दो चांसेस बन रहे हैं, बराबर, एक तो इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं, यहां पे है ना नाइट्रोजन से हो रहे हैं, और यहां पे सल्फर थ्रू हो रहे हैं, है ना, ये दो चांसेस है, तो उसके लिए भी लिखो NCS थायोसाइनेट, उसको IUPAC लिगैंड में वही यूज किया जाता है दोनों को, लेकिन सॉरी एनायनिक लिगैंड में, लेकिन IUPAC लिगैंड में हम दो टाइप से यूज करते हैं, उसको कहते हैं आइसोथायोसाइनाइटो, आइसोथायोसाइनाइटो,
ISO THIO CYA NO NA TO ISO THIO cyanide for ligand donor through कौन सा रहेगा ligand donor through nitrogen atom ligand donor through nitrogen atom ओके बेटा ये anionic ligand सारे हम लोगों ने देखी ठीक है मतलब इतने ligands हम जनरली क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में फाइंड आउट करते हैं ठीक है ये हो गए anionic ligand अभी कौन से देखना है हेडिंग क्या लगाई जाएंगे anionic and न्यूट्रल लिगैंड्स अभी नीचे न्यूट्रल लिगैंड देखेंगे जो ऐसे लिगैंड्स होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे वो बॉन्डेड पेयर में सेंट्रल मेटल आयन को देंगे लेकिन कोई चार्ज नहीं होगा मतलब क्या हो सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी अगर से माइनस चार्ज अगर से नहीं है तो लोन पेयर रहेगा है ना जैसे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर में देखते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा बॉन्डिंग मिलाएगा तो कैसे टाइप का होगा लिगैंड न्यूट्रल लिगैंड होगा जिसके ऊपर जिस पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा ऐसे वाला ठीक है चलो न्यूट्रल लिगैंड देखते हैं जैसे अमोनिया के केस में भी देख सकते हैं अमोनिया के ऊपर में होता है ना लोन पेयर NH3 के ऊपर में तो वो भी न्यूट्रल में आएगा लिखो फिर से वही वैसे ही लिखना है अभी क्या करेंगे न्यूट्रल लिगैंड ऊपर उसके साइड में क्या बनाएंगे IUPAC पहला केस लिखो अमोनिया का अमोनिया पहला केस अमोनिया दैट इज NH3 अमोनिया इसको IUPAC में यूज करेंगे इमीन AMINE स्पेलिंग पे ध्यान देना इमीन इमीन अमीन क्या बोलना है बोलो जैसे अमेजॉन को क्या कहते हैं बोलो अमेजॉन भी कहते हैं बताइए कभी कभी देखते हैं हम लोग वीडियोस उसके अंदर में जीमेल को जमील कहते हैं क्या कहते हैं जमील चलो नेक्स्ट अमोनिया हो गया बेटा नेक्स्ट लिखो वाटर H2O अब यहाँ पे IUPAC क्या यूज करेंगे एक्वा हम जो बोलते हैं ना एक्वा वगैरह जो फिल्टर पानी ये वो वाला तो कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग कौन सा वाला यूज करते हैं एक्वा हाँ वाटर को ही क्या नाम दिया जाता है AQUA एक्वा ठीक चलो नेक्स्ट CO कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे यूज करते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर में जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर में भी लोन पेयर होते हैं है ना लेकिन कोई चार्ज कैरी नहीं करता CO ओके कार्बन मोनोऑक्साइड उसको बोलेंगे कार्बोनिल क्या बोलेंगे कार्बोनिल जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी कार्बोनिल ग्रुप्स कहते हैं जहाँ पे ऐसे जो फंक्शन ग्रुप होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर में कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है जैसे बहुत सारे है ना ईथर ईस्टर कीटोन एल्डिहाइड्स है ना ये सब में आती है कार्बोनिल CO ग्रुप आता है नेक्स्ट अभी क्या लिखेंगे इथाइलीन डायमाइन है ना तो उसको IUPAC में क्या करना है अभी स्पेस देना ही नहीं क्या करेंगे दोनों को मिक्स करके लिखेंगे इथाइलीन डायमाइन मतलब एक ही वर्ड बनाएंगे विदाउट गिविंग एनी स्पेस दोनों को कंबाइन करके एक ही लिखना है जैसे हमने देखा है रूल्स के अंदर में है ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग स्पेस नहीं देते या डैश कॉमास यूज नहीं करते हम लोग सभी कंपाउंड को क्या करते हैं कंबाइन करके लिखते हैं ठीक है इथाइलीन डायमाइन तो ये हो गए सारे के सारे कौन से न्यूट्रल लिगैंड्स विच आर यूज इन नेमिंग इसके अंदर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ठीक है चलो अभी नेक्स्ट कौन सा देखेंगे कौन से बचे हैं और कोई चलो अभी नेक्स्ट हेडिंग दे दो IUPAC नेम ऑफ मेटल्स इन एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस एनायनिक कॉम्प्लेक्स आते हैं पूरे ग्रुप के ऊपर में चार्ज होता है ग्रुप के ऊपर में चार्ज होता है
आईयूपीएसी नेम्स ऑफ मेटल, आईयूपीएसी नेम्स ऑफ मेटल इन, आईयूपीएसी नेम्स ऑफ मेटल इन एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। अभी मेटल्स को क्या नाम देंगे, जब कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, निगेटिवली चार्ज रहेगा, तो सेंट्रल मेटल आयन को क्या नाम देंगे ऐसे, ठीक है। जैसे ऐसे लिखते हैं ना, ये वाला अभी यहाँ पे चार्ज कोई है नहीं, यहाँ से मान लो कि कैटायन को निकाल दिया है ना, तो यहाँ पे चार्ज आएगा 4K प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, ये भी ये Cl 6, और यहाँ पे चार्ज क्या आएगा 5। तो अभी कौन सा टाइप का है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जिसमें मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं, तो उनको नॉमिक्लेचर में क्या क्या यूज करेंगे वो देखना है, ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। चलो, तो मेटल का नाम लिखना है एक साइड में, और एक साइड में आईयूपीएसी नेम लिखना है, मेटल एंड देयर आईयूपीएसी नेम। मेटल में क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम ए एल, ओके, ठीक। तो उसको लिखो आईयूपीएसी में एल्यूमिनेट ALUMINATE, एल्यूमिनेट। क्रोमियम सीआर क्रोमेट। कोबाल्ट सीओ है ना, कोबाल्ट के लिए यूज करते हैं सीओ, उसको लिखते हैं कोबाल्टेट COBALTET कोबाल्टेट। नेक्स्ट लिखो बेटा कॉपर CU, क्यूप्रेट CUPRATE क्यूप्रेट। नेक्स्ट लिखो गोल्ड AU ऑरेट, क्या बोलेंगे उसको, ऑरेट एनवाइस AURETE ऑरेट। आयन Fe फेरेट FeRATE फेरेट फेरेट, ओके। मैग्नीशियम मैग्नीज Mn, मैग्नीशियम के बजाय मैग्नीज लिखो Mn Mg के बजाय Mn करो। मैग्नेट कहते हैं ना, मैग्नेट MAGNET मैग्नेट। नेक्स्ट लिखना निकल Ni निकलेट Ni CKELATE निकलेट। नेक्स्ट लिखो प्लैटिनम PT। उसके लिए लिखो प्लैटिनेट, क्या लिखना है, प्लैटिनेट। और जिंक झड़े जिंके ZINCATE जिंके। अब यहां पे देखो, ये अगर चीज देखते हैं हम लोग FeCl6 ऐसे, तो इसको क्या यूज करेंगे हम लोग, साइनाइड कितने आ रहे हैं, लिगैंड के नाम पहले लिखना है ना, रूल्स में देखा है पहले किससे शुरुआत करेंगे, लिगैंड बराबर ना। अब लिगैंड कौन सा है, साइनाइड है ना, साइनाइड को क्या यूज करते हैं, साइनाइड को कितने हैं, 6 है ना, तो क्या यूज करेंगे, बोलो पढ़ो,
हेक्साइलोफेरेट, हेक्साइलोफेरेट आईयूपीएसी में है ना, साइनाइड को क्या यूज करते हैं हम लोग, साइनो यूज करते हैं, तो हेक्सा साइनो फेरेट है ना, क्योंकि आयन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एफ के लिए फेरेट है ना, वैसे ही करना। कुछ एक कंपाउंड दो क्या ऐसे लिख के, यहाँ भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए। देखो चलो एनायनिक दे देता हूँ पहले, फिर उसके बाद में कैटायनिक भी देंगे, ठीक है। चलो लिखो NaCl4, इसको लिखते हुए तुम्हें स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखना है आपको, क्योंकि एनायनिक है मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर में चार्ज कौन सा आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो लिखते वक्त में कैसे स्टार्ट करना है, स्क्वेयर ब्रैकेट से, फिर क्या रहेगा मेटल, फिर उसके बाद में सिंपल ब्रैकेट में क्या लेंगे हम लोग, लिगैंड्स लेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो लिखो NaCl4 2-, चार्ज कितना है NaCl4 2-, दो चार्जेस हैं निगेटिव चार्ज, क्या यूज करेंगे बेटा इसको, हाँ चार है इसका मतलब क्या यूज करेंगे, टेट्रा है ना, हाँ टेट्रा साइनो, हाँ निकल के लिए क्या यूज किया है यूपीएससी में, देखो चार्ट पे निकलेगी है ना, हाँ चलो लिखो आगे। और यहाँ पे जब भी नाम देंगे तो उसको कैसा नाम देना है, कंबाइन करना है, स्पेस या बीच में कॉमास या हाइफंस वगैरह है ना, फॉरवर्ड स्लैश वगैरह कोई यूज नहीं करेंगे है ना। चलो क्या लिखेंगे, टेट्रासाइनोड निकलेट है ना। अब यहाँ पे जो यूज करते हैं हम लोग, देखो ऐसे टेट्रासाइनोड है ना निकलेट, चार्ज कितना आ रहा है बेटा, दो चार्ज है ना, सही, तो इसको ऐसे लिखना है लास्ट, रोमन नंबर्स इंडिकेट करेंगे। चलो नेक्स्ट CO C2O4 taken thrice और पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज देना है आपको 3-. देखो थोड़ा जमता है, अच्छा टेबल में दिया हुआ है, मैं टेबल में है कि नहीं है, कि टेबल है, हाँ चलो फिर करो क्या होगा, कितने हैं ऑक्सीलेटो, कितने तीन है, मतलब क्या यूज करेंगे, ट्राई है, ट्राई ऑक्सीलेटो, हाँ ट्राई ऑक्सीलेटो, ये क्या है कोबाल्ट के लिए क्या यूज करते हैं, कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट, हाँ यूज करो, चलो ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट, ब्रैकेट में कितने क्या देंगे रोमन साइन, 3, यस गुड, चलो ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट 3-. अब यहाँ पे याद रखना है कि हर एग्जाम में हर साल कम से कम मिनिमम एक एग्जाम्पल तो इसके ऊपर में होता ही, एक एग्जाम्पल तो मिनिमम होता है, कम से कम एक तो होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेवल FeCl6 4-, जैसे हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, चलो टेबल में डालो उसके बाद में आगे देखेंगे हम लोग दूसरे FeCl6 4-, हाँ बोलो आप लोगों को करना है FeCl6 4-.